नमस्कार, मैं कनक। आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। 8 अगस्त तक शिवसेना पर अपने दावे के दस्तावेज जमा करने को कहा, इसके बाद होगी सुनवाई। शिवसेना किसकी होगी, शिंदे की या ठाकरे की? इस पर सुप्रीम कोर्ट संविधान पीठ गठित करने का मूड बनाए है। इस बीच चुनाव आयोग ने भी इस मामले में सुनवाई के लिए दोनों गुटों को नोटिस जारी किया है। आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को और उद्धव ठाकरे गुट को 8 अगस्त तक पार्टी पर अपने दावे से संबंधित दस्तावेज जमा करने को कहा है। चुनाव आयोग ने दोनों पक्षों को पार्टी में विवाद पर अपना लिखित स्टेटमेंट देने को भी कहा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद उपजे शिवसेना पर संकट पर दोनों गुटों के अपने अपने दावे हैं। शिंदे गुट के पास पार्टी के 55 में से 40 विधायकों और 18 लोकसभा सांसदों 12 का समर्थन है। वहीं ठाकरे गुट पार्टी की कार्यकारिणी के समर्थन का दावे पर अपना पक्ष मजबूत किए हैं। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाले खेमे और एकनाथ शिंदे खेमे याचिकाओं पर चीफ जस्टिस एनवी रमना की बैठक अगली सुनवाई अब 1 अगस्त को करेगी। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने विधायकों की सदस्यता मामले पीठ गठित करने की बात भी कही थी। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।